कोई बिजनेस माइंड है, बिजनेस माइंड है किसी चीज का, क्या किसी का बिजनेस माइंड है? फैशन डिजाइन, बहुत बेहतरीन सर। लेट सपोज आपने कहा कि सर मैं फैशन डिजाइन का कोर्स करूंगी, उसके बाद मैं अपने खुद के कपड़े डिजाइन करके बेचूंगी, सही है? अब आपने कहा सर मेरे पास, सुन लो, मेरे पास सर अगर कोई बंदा आके एक ड्रेस की नॉर्मल सेलिंग प्राइस, क्या चीज नॉर्मल सेलिंग प्राइस एक ड्रेस की मेरे पास, लेट सपोज 2000 रुपए की, जो मुझसे 5 ड्रेस मांगता है या उससे ज्यादा मांगता है, कितना मांगता है, 5 ड्रेसेस मांगता है या उससे ज्यादा मांगता है, तो मैं उसको अप टू 5 ड्रेसेस यही रहेगी, 5 ड्रेसेस क्या रहेगा 2000 में बेचूंगा भाई, एक लो दो लो तीन लो, 2000 रुपए का पर पीस आपको पड़ेगा। 10 ड्रेस पकड़ो, क्या पकड़ो 10। आपने कहा इफ यू आर ऑर्डरिंग 10 ड्रेसेस डिस्काउंट दूंगी, बल्क क्वांटिटी मतलब कितना डिस्काउंट, आपने कहा सर मैं 10% डिस्काउंट दूंगी, कितना दूंगा, मतलब आप बेटा उसके अंदर मेरे ख्याल से 1800 रुपए की प्राइस देंगे, 2000 का 90%, हाँ बेटा, कि मैं क्या करूंगी उसका 10%। मैंने कहा यार व्हाट इफ मैं 20 ड्रेसेस उससे ज्यादा खरीदू, खरीदोगे कितना, तो बंदा ही लेकर जाएगा कितना देगा, 80% 2000 का, कितना आता है। अब मैंने आपसे कहा बेटा आपकी एक पास्ट ट्रेंड रहा है, क्या रहा है कि आपके गुल्लक के अंदर, ये तो आपको पता है ना कि सेल्स आपकी रिकॉर्ड होती है ऑन द इनवॉइस प्राइस नॉट द लिस्ट प्राइस, ये बात आपको पता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है किस पे, इनवॉइस प्राइस पे, लिस्ट प्राइस आपकी 2000 है, आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का 200 रुपए का, तो आपकी 1800 रुपए आ गई, और जब ये वाली कंडीशन है आपने कितना डिस्काउंट दिया तो आपकी इनवॉइस प्राइस कितनी आ गई। तो लेट सपोज मैंने कहा बेटा टोटल 100 सूट बेचते हो, कितने बेचते हो, पास्ट ट्रेंड रहा है कि जब भी मैं बेचता हूं ना 100 ड्रेसेस इन टोटल रेवेन्यू 2000 में ड्रेस बिकता है, कितने का बिकता है 2000 का, आपके पास टोटल जो ड्रेसेस बिकते हैं, जो टोटल आपकी जो ड्रेसेस की क्वांटिटी बिकती है, उससे से मैंने कहा बेटा आपका 25% कितना है, 20% कितना, 30% कर लो, कितना कर लो, 30% ऐसे होते हैं जो 10 ड्रेसेस वाले होते हैं, कितना होते हैं, और 50-30, और सर 20% होता है कौन सा वाला, सही है, ये का क्या है, एक आपका पास्ट ट्रेंड से रेशियो क्या है, कि अगर टोटल सेल्स होती है उसमें से नॉर्मल बिकते हैं 50%, द ड्रेस डिमांड करने वाले लोग आते हैं कितने, 30% मेरी रेवेन्यू उससे आता है, और 20% रेवेन्यू आता है किससे, जो मुझसे 20 ड्रेसेज उससे ज्यादा मांगता, सही है। अब मैंने आपसे कहा बेटा अगर आप पूरे टेन्योर में, पूरे टेन्योर में 100 ड्रेसेस बेच रहे हो, कितने बेच रहे हो, कितने ड्रेसेस बेच रहे हो 100, तो आपने कहा सर नॉर्मल पे बिकेंगे 100 ड्रेसेस, तो अगर टोटल है नॉर्मल वाले कितने 50%, मतलब 50 ड्रेसेस आपके, 50 ड्रेसेस आपके बिकेंगे कितने के हिसाब से, 2000 के हिसाब से, प्राइस कितनी होगी उसकी 2000, 50% 100 का 50% कितना आ जाता है, एक लाख 10 ड्रेसेस सबसे ज्यादा वाले, तो 100 ड्रेसेस में 30% कितनी हो गई, 30, ये कौन से वाले हो गए, 10% डिस्काउंट वाले, जो 10 ड्रेसेस वाले कौन से वाली कैटेगरी हो गई, जो 10 ड्रेसेस आपसे खरीद के जाएंगे, जो 10 ड्रेसेस आपके खरीद के जाएंगे वो कितने ड्रेसेस होंगे, 30, तो आपका एक ड्रेस आप बेचोगे कितने में, क्योंकि सर 10 ड्रेसेस ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो हमको क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे, हम उनको क्या करेंगे डिस्काउंट देंगे, 1800 का बेचेंगे, 2000 का नहीं बेचेंगे, कितना आएगा 54,000, और आपके पास 20 ड्रेसेस वाले हैं 20%, तो 20 हो गए, 20 ड्रेसेस हो गए आपके पास कितने का, 1600 के हिसाब से, तो ये 32,000,
तो मतलब टोटल कंपनी अगर 100 ड्रेसेस इस रेशियो में बेचती है ड्यूरिंग द ईयर, कितना रेवेन्यू कमाती है? 186,000. अब सुनो बेटा, आपने 186,000 जो पूरे, अब मैं तुमसे पूछूं यार तुमने पूरे महीने में कितनी सेल की, आप कहोगे सर 186,000. मैं कहूंगा ऑन एन एवरेज एक ड्रेस तुमने कितने का बेचा? मैं क्या कहूंगा? ऑन एन एवरेज एक ड्रेस कितने का बेचा? आपने कहा सर अगर मैंने पूरे पीरियड में 186,000 की इनकम कमाई है बाय सेलिंग 100 ड्रेसेस, बाय सेलिंग मतलब ऑन एन एवरेज हर ड्रेस पे मैंने कितना कमाया? 1860. जब भी मैं एक ड्रेस उठाता हूँ बेचता हूँ ऑन एन एवरेज कितने का बिकता है? 1860 का. अब चाहे वो नॉर्मल हो या 10% डिस्काउंट वाला हो या 20% डिस्काउंट वाला हो, क्योंकि मेरा एक रेशियो बनता है. क्या बनता है? रेशियो बनता है. रेशियो के हिसाब से हर एक ड्रेस ऑन एन एवरेज कितने का बिकता है? 1860 का. अब मैंने कहा बेटा अगर तुम्हारे पास ये क्वांटिटी ना गिवन, कहते हो क्वांटिटी गिवन होती तो मैं क्या करता? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता. अब मेरे पास टोटल क्वांटिटी पता ही नहीं है. क्या कोई और तरीका है? अगर आपके पास क्वांटिटी मौजूद ना हो, आपके पास ये क्वांटिटी मौजूद ना हो तो सर मैं तो उसको तोड़ ही नहीं सकता. मैं कहा एक और तरीका है. क्या मैं ये कह सकता हूँ यार 2,000 रुपए मिलेंगे, क्या मिलेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50% है. कितनी है? 50%. इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास 100% नहीं है. कंपनी में जब भी 2,000 का बिकेगा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है मेरे पास? 50% की. तो कितना कमाऊंगा? 1,000 रुपए. कितना कमाऊंगा? 1,000 रुपए. मैंने कहा बेटा 2,000 रुपए तुम्हारी नॉर्मल सेलिंग प्राइस होती है, मगर ये अगर 10 ड्रेसेस है क्या है? मैं तो 10% का डिस्काउंट दूंगा सर, वही तो उसके 90% मिलेंगे. क्या मिलेंगे? मैंने कहा बेटा इस काम के होने की प्रॉबर्टी कितनी है कि दुकान में कस्टमर आए उसकी प्रॉबर्टी के सर 30% चांस है कि ये बंदा मुझे 2,000 रुपए नहीं देगा, क्या देगा? डिस्काउंट के साथ कितने देगा? 18,000 रुपए देगा. इसकी प्रॉबर्टी कितनी मिले? मैं वैसे नॉर्मली 2,000 चार्ज करता हूं सर, ये शायद मुझसे 20% डिस्काउंट ज्यादा लेके जाएगा. क्यों? ये 20 ड्रेसेस जब से ज्यादा सेलेक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? 20 ड्रेसेस जब से ज्यादा सेलेक्ट. तो मैंने कहा बेटा वो 80% पैसे देके जाएगा और वो ये देकर जाए और वो कस्टमर ऐसा हो उसकी प्रॉबर्टी कितनी है? कितना आया? 3. सबको ऐड करो. तो ये आपके पास क्या आ गई? वेटेड एवरेज प्राइस आ गई. कि आपको जरूरी नहीं है कि आप हर दफा, क्योंकि आप तो ये वाली हरकत तो तब कर सकते हो जब आपके पास क्वांटिटी मौजूद हो. जब क्वांटिटी मौजूद नहीं तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? वेटेड एवरेज सेल प्राइस निकालनी होगी. क्या निकालनी होगी? वेटेड एवरेज सेल प्राइस निकालनी होगी. इसी तरह बेटा रेड लिमिटेड ने उससे क्या कहा था कि सर अब मैं क्या करूंगा, ये वाला पॉइंट पढ़ना. कैन आई इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड लेवल ऑफ सेल्स RL इज कंसिडरिंग टू ऑफर 5% सेल डिस्काउंट. कितना? ऑन बल्क ऑर्डर ऑफ 25 चेयर्स. मतलब कोई बंदा आएगा अगर वो 25 चेयर डिमांड करता है, क्या करता है? तो मैं क्या करूंगा? बोलूंगा भाई नॉर्मल प्राइस पे नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूंगा? डिस्काउंट दूंगा. कितना? कितना दूंगा? 5% का सर. और 10% का सेल डिस्काउंट ऑन बल्क ऑर्डर ऑफ, और अगर वो आके मुझसे 50 शेयर मांगता है तो मैं उसको क्या करूंगा? 10% का डिस्काउंट दूंगा. सही है. एक नॉर्मल वाली सेल हो रही होगी. कितनी सेल हो रही है हमारे पास? 3. मगर क्वांटिटी तो मुझे पता ही नहीं है कहीं से भी. क्या कहीं से तो क्वांटिटी पता है मुझे? यस सर पता है. कितनी? 16,000 और 14,000. कितनी है सर? 16,000 और 14,000. अब मैं इसको दो तरीकों से करके दिखाऊंगा. कितने तरीके से करके दिखाऊंगा? दो तरीकों से. अब मुझे एक बात बताओ सर, सेल्स मिक्स आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डिस्काउंट इज एस्टिमेटेड टू बी द रेशियो ऑफ 60-30-20. मतलब सर 60% लोग ऐसे हैं, 60% लोग ऐसे हैं जो आपसे क्या करेंगे? नॉर्मल प्राइस पे लेके मांगेंगे. हाँ 5% डिस्काउंट देंगे. और जो आप क्या करोगे? 10% डिस्काउंट पे दोगे. ऐसा होगा? अब मुझे एक बात बताओ. सर लंबी करने जा रहा हूं मगर से समझाने के लिए. किसके लिए? आंसर इंशाल्लाह यही आएगा. आंसर क्या आएगा? यही आएगा सर. अगर मैं 16,000 की बात करता हूं बेटा, क्या हुआ?
अच्छा था बाढ़ में गया। हाँ सर बेटा देखो 16,000 है, 16,000 का एक 60% है, नॉर्मल। हाँ 30% होगी आपकी, 5% डिस्काउंट सर, 25 शेयर्स वाले, कौन से वाले, और 50 शेयर्स वाले। एक बात बताओ, नॉर्मली मैं ये बेचता कितने का हूं, 2938.14। ये आपने कहां से निकाला था सर, यहां से ग्रॉसअप करके निकाल, करो सो ग्रॉसअप 2850/0.97। नॉर्मल सेलिंग प्राइस मुझे बता दो जल्दी से कितना, 2850 का 29। पागल गरज रहे, गरज गरज सावन, 2938. इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। यस बेटा देखो, अब आपका 293815 जो है वो बिकेंगे, मगर बेटा कितने नंबर, 16,000 का 60% बताओ कितने यूनिट्स, 9600। मगर एक बार बताओ, मैं इसको पहले एक मल्टीप्लाई कर दूं किससे, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन मिलेगा कितना, 3% का, कितना, 3% का डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन आएगा, तो मैं इसको 97% से पहले वो कर लूं। हाँ फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूं कितना, 9,600 बताओ कितना आया, कितना, 2736 53 कर लूं, नहीं मिट रहा तो 0.8 लिखे, एक सेकंड हो गया, करंट क्यों मारा, हाँ मैं हैंग हो गया हूं, तो शिकायत भी तो उतनी करता है। बेटा स्क्रीन दिख रही है, अब मिट रहा है ना, क्या हो गया, खुद बाखुद ऊपर क्यों हो रहा है सर। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, आपने कहा सर जब 25 शेयर्स जाएंगी तो मैं 2938.15 का नहीं बेचूंगी, क्या डिस्काउंट दूंगी 25 शेयर वालों को, 5% का, कितना, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 95%। फिर सर आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटर है कहेगा भाई देख मैं ज्यादा तेरी शेयर बिकवा रहा हूँ, एक एक क्वांटिटी नहीं बिकवा रहा, एक एक होती है तो कमीशन 3% होता है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 25 कुर्सियां तेरी एक साथ बिक रही है, तो मैं तुझे डिस्काउंट भी कितना लूंगा, 1% ऊपर, 4% का, कितना, तो मेरे पास का 96% आ जाएगा। और बताओ कितने यूनिट्स बनते हैं ये, नहीं ना, 16,000 का 30%, जो टोटल 16,000 की सेल करोगे उसमें 30% यहां से आएगी, कितना, 128 हमारे पास सेल आ गई कहां से, 25 कुर्सी वालों को बेचने वाले से, क्या हो गया, पहले कभी पानी नहीं देखा है, जाओ नहा के आ जाओ, कोई मसला नहीं, घर पे पानी होगा नहीं। अब बताओ तू बेटा थोड़ा मर्दों में रह ले या और काम किया, इसका बोल 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 बोल, ओ ओ आ जाए सर, आ जाए सर, सर वैसे जलते हैं तुझसे इस हालत में,
सर वैसे ठीक है ना, एग्जाम्स में टाइम भी नहीं होता था बेटा, समझाने के लिए खाली एग्जाम में टाइम नहीं होता, वो करोगे अभी से समझाने के लिए, किसके लिए समझाने के लिए। अब बेटा बताओ 2938.15 का नॉर्मली बेचता हूँ, मगर मैं क्या करूंगा, अभी मुझे मिलेंगे कितने 90%, कितने मिलेंगे 90%। सर जब मैं 90% मिलेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर कहेगा भाईजान रुक जाओ, मैं इतने पैसे आपको नहीं दे रहा। हमने कहा क्यों, बोला देख जब एक बेचता था तेरे एक एक करके कुर्सी बेचता था तो 3% कमीशन लेता था, 25 की लॉट में बेचता था तो 1% ऊपर 4%, और जब 50 की लॉट में बेचूंगा तो मैं 2% ऊपर लूंगा 5%, तो मुझे कितने देगा ये, और मतलब कितनी कुर्सियों पे ऐसा होगा 16,000 की 10% 1,600 बताओ कितना आया, बताओ मेरा बच्चा कंपनी ने पूरी की पूरी सेल कितनी की, आर यू श्योर, ओ ही थी शायद कोई और आवाज होगी, मुजैफा कुछ पूछ रहा है बेटा, नहीं सामने बैठा है मैं, पीछे शाहरुख है, अच्छा बच्चा है, 4424 हाँ कि तू शोर ज्यादा करता है क्या, अपने ऊपर ही ले रहा है यार तू, 4424 1 4। बेटा एक बात बताओ, कंपनी ने ये इनकम कमाई आउट ऑफ 16,000 शेयर्स, तो ऑन एन एवरेज हर एक कुर्सी पे कंपनी ने कितने रुपए कमाए, क्या ये 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 बराबर है। अब 14,000 का घर पे करके देखना एक्सेल पे, उसको भी तोड़ के देखना तो आपको समझ आ जाएगा कि सर क्योंकि अभी मुझे सीएम पर यूनिट चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी मेरे पास, डिटरमाइन द ब्रेक इवन रेवेन्यू, उसके लिए मुझे सीएम रेशियो चाहिए, इसमें नॉर्मल वाली बिक रही हो या 50 अपनी 50 शेयर वाली बिक रही हो, 25 शेयर वाली बिक रही हो, ऑन एन एवरेज कंपनी को हर एक शेयर के ऊपर 2765 रुपए का सेलिंग प्राइस का रेवेन्यू मिलता है। क्या ये बात समझ आती है, क्या ये बात समझ आती है, अरे बहुत बड़ी मकड़ी है यार। हाँ सर, अब 14,000 वाले का आप करके बताओ जल्दी से, 14,000 चेयर्स वाले का आप करो जल्दी से, देखो आपका क्या आता है, तो 14,000 चेयर्स हैं, क्या बेटा बेटा जल्दी कर ले, 14,000 वाला आप करके बताओ जल्दी से, मर्द बने मकड़ी से क्या डर रहे हैं बेटा, तू मौका तो दे, आओ जैसा क्या मतलब यार अच्छा ना यार आ जाओ सर, 16,000 यूनिट की आ गई सर, अब हम देखते हैं 14,000 यूनिट पे, सर 14,000 यूनिट पे भी यही कहानी होगी सर, 14,000 यूनिट वाली जो नॉर्मली थी, अगर मैं 2945 से नेट ऑफ होता डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन, तो सर मेरे पास कितने का था 2945 14,000 शेयर्स जी बेटा, सर नॉर्मल 0.0 ये नॉर्मल सेलिंग है, क्या ये नॉर्मल सेल्स प्राइस है, सर कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, कितनी है, मगर सर ये 3,036 रुपए की बेच के डिस्ट्रीब्यूटर मुझे इतने पैसे नहीं देगा, डिस्ट्रीब्यूटर मुझे इतने पैसे नहीं देगा, वो क्या करेगा 3% का अपना कमीशन काट लेगा। हाँ सर, तो मुझे कितने मिलेंगे इसके, कितना आता है 1,766.99 तो 6-7 ज्यादा बेहतर, सही है सर। 25 शेयर्स वाले जब आएगा, मैं सर बेचता तो 3036.08 में हूं, मगर सर इसकी प्रायोरिटी कितनी है 30% है कि सर ये 25 शेयर्स वाले लोग होंगे, कौन होंगे 25 शेयर्स वाले, सर इनको मैं क्या करूंगा डिस्काउंट दूंगा 5% का, क्या करूंगा 5% का
डिस्काउंट दूंगा बेटा, इसके बाद शेजल जो उसके दूसरे बार लाइन में है वही होंगे। और ये क्या करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, 4% का कमीशन काट लेगा। कितना काट लेगा? तो मुझे 96% मिल जाएगा। कितना आएगा? एट थर्टी वन पूरा पूरा बेटा, बहुत डिफरेंस है यार। 830 पॉइंट बेटा, वो 0.99 था, 0.67 सही है, बस सही है। दो डेसिमल प्लेसेस सही है, दो डेसिमल प्लेसेस। सर 50 चेयर्स हो सर, वैसे तो 3036 की बिकती है, लेकिन 10% का चांस है कि 50 चेयर्स हो, और अगर 50 चेयर्स होंगी तो क्या होगा सर, ये लोगों को ये हम नॉर्मल प्राइस पे नहीं बेचेंगे, इन लोगों को हम बेचेंगे 90% में, 10% का डिस्काउंट देंगे, तो हमें कितने मिलेंगे इस पैसों का, इस पैसों का कितना मिलेगा 90% सर। ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, 50 शेयर बेचेगा तो वो 3% 4% कमीशन नहीं लेगा, कितना लेगा 5%, कितना आ जाएगा 5.5। अबे अच्छा ना भाई, राउंड ऑफ करके बता देना, 5.84। अच्छा ना, कलर टाइट बना था, कलर टाइट बना तो बता था, बारिश का मौसम है। आ 2857 सर, वहां पर सेलिंग प्राइस आ गई, क्या मैं सीएम रेशियो निकाल लूंगा दोनों का आसानी से? सर क्या हमने डायरेक्ट मटेरियल की कोई वर्किंग वगैरह की थी? यस सर। सर ये तो हमारे पास पहले था, क्या था, अब कहानी कुछ और हो गई, डिस्काउंट वगैरह क्योंकि अचीव डिजायर से अलग थी, बस ये याद रखना। चाहिए क्या चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मैं क्या करूंगा, यूनिट्स पूछे, क्या पूछे, यूनिट्स पूछे, तो सर मेरे पास वेटेड एवरेज सेल प्राइस होगी, डिवाइड कर दूंगा, यूनिट्स भी आ जाएंगे मेरे पास, सेट हो गया। सर मेरे पास एक 14,000 का और एक 16,000 का, एक 16,000 की कहानी है और एक सर सेलिंग प्राइस, वेटेड एवरेज कितनी है सर 2765 और ये 28। सर डायरेक्ट मटेरियल उसका टोटल बता दो यार कितना है, वेरिएबल कॉस्ट का 1282 और 417 और उसका मेरा बच्चा 13 17 17 80 1780 सर 1699.6 हाँ 1780 ये वेरिएबल कॉस्ट। सर सीएम कितना आया 1065.4 सीएम आ गया, आपको ब्रेक इवन रेवेन्यू चाहिए था, क्या चाहिए था, सीएम रेशियो चाहिए, फिक्स कॉस्ट निकाल चुका हूं डिजायर्ड प्रॉफिट वाले के साथ, कितना सर निकाला था ना कुछ तो, ये बड़ा मसला होता है यार, कहां यही है और कोई डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं है। हाँ ये था ना यार, कितना है ये, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट 8230000। जी जी सर, तो सर मेरे पास ब्रेक इवन
8230000 डिवाइडेड बाय 1065.4 अपॉन 2765 और सर यहाँ पे 8230000 डिवाइडेड बाय 1077.25 सीएम रेशियो में डायरेक्ट वहां पे फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ सही है 2857.25 कितना आ गया 2135 9067 छोड़ दो मिलियन से बातें हो रही है 0.08 पैसे का क्या करेगा उसके बाद दूसरा कितना सही कह रहा है लड़का 21930676 हाँ 21 2182 डन हो गया सर ये आपके पास क्या आ गया ब्रेक इवन रेवेन्यू क्या आ गया सर सवाल में एक और चीज है क्या सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स सर ये जो ब्रेक इवन रेवेन्यू है इसमें यूनिट्स निकाल सकते हो कैसे वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस डिवाइड कर दो वेटेड एवरेज सेलिंग प्राइस क्या करो डिवाइड करो कितना था 2765 तो किससे डिवाइड करूंगा मैं सर सेल्स प्राइस से डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए या सीएम से डिवाइड करूंगा हाँ सेल्स प्राइस से सोचो यार मैं नंबर ऑफ यूनिट्स चाह रहा हूँ सर सिंपल कोई भी ना सब लोग ऐसे हो ना एंड में आके बच्चों के दिमाग पे ऐसा ताला आता है ना कि निया यहाँ पे भी कोई ना कोई अलग ही लॉजिक होगी आई थिंक सिंपल यार कितना आया कितना 7724.7 तो 25 कर लो और ये 7639.8 बेटा इसको वेटेड एवरेज से भी डिवाइड करो तभी आंसर क्या आएगा सेम आएगा चाहे वो कर लो सेलिंग प्राइस वेटेड एवरेज से डिवाइड कर लो या इसको सीएम से डिवाइड कर लो फिक्स कॉस्ट को आंसर क्या आ जाएगा सेम आएगा दोनों तरीके सही है भाई कंफ्यूज होने मजा आता तो चलो लगा नहीं इससे तो नहीं होगा तो तुम लोगों को जो देसी चीजें पता है उससे बता दिया ये ब्रेक इवन यूनिट्स है टोटल यूनिट्स ऐसे कितने ऐसे बताओ एम ओ एस यूनिट्स कितने आ गए कितना 82 और यहां पर 63 सेट हो गया सर 10 का पार्ट भी ब्रीफली डिस्कस एनी कंक्लूजन विच मे बी ड्रॉन फ्रॉम योर कैलकुलेशन इन अबव तो ये कंक्लूजन पे पहुंचोगे हाँ सर क्या कंक्लूजन आएगा सर एक बात सुना तुम्हारे पास 1065.4 और 1077.25 का सीएम है सर टोटल सीएम बताओगे मुझे पार्ट बी टोटल सीएम क्या जी सर सर 16,000 रुपए एंड सर कितना आ रहा है
सर अगर पर यूनिट आपके पास है 1065.4, मतलब 16,000 करो कितना आता है? वन सेवन जीरो फोर सिक्स 400 यही है। और अगर सर मैं करता हूं 14,000 पे तो सर कितना है सीएम पर यूनिट? 1077.25 सर चाहे 14,000 बेचूं 16,000 बेचूं, फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगी ना। सर आपका जो ब्रेक इवन है उसके हिसाब से कौन सा अच्छा है? 14,000 वाला अच्छा है। तो सर ये आपका कंक्लूजन होगा कि अगर आप देखें कि आपको इसका वो कंक्लूजन देना है कि सर डिस्पाइट 16,000 चेयर्स शोज अ न्यूमेरस प्रॉफिट, ग्रेटर प्रॉफिट देन 14,000 चेयर्स, बट इन 14,000 चेयर्स द ब्रेक इवन रिजल्ट इन मोर अर्लियर यूनिट्स देन इन 16,000 चेयर्स। सेट हो गया। बस ये कंक्लूजन करके क्या करना है, दो नंबर का एक्वायर कर लेना। सेट है? वेटेड एवरेज प्राइस समझ आ गई? पक्का डन है? लॉक कर दे सर? नहीं ना। क्या नहीं ना सर? डायरेक्ट एसपी से कर लेते बेटा। एसपी से करता डायरेक्ट तो उसके ना हमारे पास वो 2,000 का डिफरेंस भी तो है। एसपी से देखो, एसपी से क्या होगा, यहां पर देखो सेलिंग प्राइस किसकी ज्यादा आ रही है, मगर प्रॉफिट तो ज्यादा कौन दिखा रहा है? 16,000 चेयर्स। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज बता कर ये नरेशन में लिख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन इज हायर सो 16K इज प्रेफर्ड। नहीं बेटा, आप उसको वजह नहीं दोगे कि क्या बेटर है क्या नहीं बेटर। आप उसको कहोगे एज पर प्रॉफिट, हाँ अगर ब्रेक इवन यूनिट 16,000 चेयर का ज्यादा अच्छा इजी आता, करीब आता, तो मैं क्या कहता, 16,000 चेयर बेटर है। यहां पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट के लिहाज से 16,000 चेयर्स हैं, ब्रेक इवन के हिसाब से कौन सा अच्छा है? 14,000 चेयर्स, क्योंकि आपके जल्दी यूनिट्स पे क्या आ जाएगा, ब्रेक इवन आ जाएगा। आपका ब्रेक इवन आएगा 14,000 चेयर्स में कितने पे? 7,640, जबकि 16,000 की तरफ जाते हो तो तुम्हारा ब्रेक इवन कब आएगा? 7,725, मतलब कोई आपके पास 85 चेयर्स और बेचनी पड़ेंगी। अगर 16,000 की कैटेगरी में जा रहे हो तो 85 चेयर्स और ज्यादा बेचनी पड़ेंगी एज कम्पेयर टू 14,000 इन ऑर्डर टू अचीव एट ब्रेक इवन। सही है सर? दूसरी बात कर रहे हैं सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज बताकर नरेशन में लिख सकते हैं, बे के हिसाब से कंक्लूजन देना, ब्रेक इवन के हिसाब से कंक्लूजन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का देख लो सर, इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? इसका ज्यादा ही होगा, नहीं उसका ज्यादा होगा सर। बता परसेंटेज कितना आता है? 6 to 8 to 5 7 41.51.7 देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके 14,000 यूनिट्स में क्या है, कम है। 16,000 यूनिट्स में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? ज्यादा है। चाहिए बेटा इसको किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन दे सकते हो। सेट हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा का क्या मतलब, कम रिस्की है, कंपनी को लॉसेस में कन्वर्ट होने के लिए अभी भी क्या है, अगर 51% से सेल्स कम हो जाती है तब जाके कंपनी लॉसेस में आएंगी, और अगर 14,000 चेयर्स वाला है कंपनी की अगर सेल्स 45% से कम हो गई तो कंपनी विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस। डन हो गया? डन है? यस सर।